गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरुजी। कैसे हैं आप सब? आज है 26 अक्टूबर, दिवाली से अगले दिन से अगला दिन। आज गोवर्धन पूजा भी है हमारी सोसाइटी में। बहुत बड़े गोवर्धन जी बनाए जाते हैं गोबर से और उनकी पूजा करते हैं सब। हम नहीं, हमारे घर में नहीं होती है ये, लेकिन हम मानते हैं गिरिराज गोवर्धन को, तो मंदिर में ही जय कर लूँगी अपने घर के। बट मेरा मन है कि आज वहाँ देखने जाएंगे, एक बारी चक्कर लगा कर आएंगे। आज सुबह सुबह नाश्ते में मैं बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी। ये बन रही है मसाले वाली भिंडी, बस बन चुकी है। अब मैं इसके साथ रोटी परांठा जिसको जो खाना है वो बनाऊँगी। यहाँ पर आटा गूंदा जा रहा है। गीता आ चुकी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये मैंने 2 आलू निकाल के रखे हैं, अभी बॉईल करेंगे। आज सोच रहे हैं, पार्थ की फरमाइश है कि समोसा बना दो। ये रहे आपके जीजू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी गोवर्धन पूजा। हाँ, हैप्पी गोवर्धन पूजा। कल तुमने वो नहीं करी व्लॉगिंग? हाँ, ये बीच में रेस्ट भी तो चाहिए होता है ना। हाँ, कल प्रिया इतनी ज्यादा थक गई थी कि एक मक्खी आगे बैठी, इससे वो भी नहीं उड़ाएगी। मोहित, मक्खी उड़ा दो प्लीज। भाई कल मैंने ब्रेक लिया था व्लॉगिंग से। भाई कभी कभी मन करता है बस अपना दिन हो, पूरा कुछ नहीं है, सब नहीं रिकॉर्ड नहीं करना होता है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। हैप्पी गोवर्धन पूजा। हैप्पी गोवर्धन पूजा। कैसा है मेरा बेबी? ठीक है। आज तो खूब सो लिया, इतनी लेट उठाया हमने। हाँ। आज ये इसका दिवाली ब्रेक चल रहा है वीक पूरा। आज पार तूने बोला था ना समोसे, तो आज हम समोसे ट्राई करेंगे। कब ट्राई करोगे? जब सारा काम हो जाएगा दोपहर को, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। हाँ, दोपहर को ट्राई करेंगे। ठीक है, हमने घर से मुँह है तो हम कितने बजे निकलेंगे? 3 बजे। हाँ, आज गाइस हम जाएंगे गुड़गांव, गुरु जी के मंदिर जाना है। आज हमें इनविटेशन मिला है स्पेशल, बहुत बढ़िया सा। और आज मेरी सिस्टर और जीजा जी के साथ जाएंगे, तो पहले उनके घर जाएंगे गुड़गांव, फिर वहाँ से उनको लेकर फिर गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे। मोहित, गुरु जी ने आज वीक के बीच में बुलाया है बड़े मंदिर। जय गुरु जी। ये देखो जी, दर्शन कर लो जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। गाइस देखना, मैंने गीता से कल ना हेयर कलर कराया था, कल व्लॉगिंग नहीं करी थी इसलिए, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि ये कैसे जाएगा। तो कह रही है भाभी आलू मल लो, नींबू मल लो। मैं कहा उससे तो बाल सफेद हो जाएंगे। फिर आपके ये जीजू जी आ गए, क्या कह रहे हैं? बोल रहे तेजाब मल लो तुम। अरे थोड़ा सा ऐसे डिप करके रुई में ऐसे ऐसे लगा लो थोड़ा थोड़ा यार। तुम्हारे मुंह पे नहीं लगा दूं। और मैं कह, मतलब ये सुन के गीता क्या बोल रही है? हाँ, इससे तो बाल जल जाएंगे। मैं कहा पेप को मुँह नहीं जलेगा, मेरा बाल जल जाएंगे। तो इस पे आपके जीजू को कुछ जो क्या एक बड़ा जो है। एक बारी क्या होता है कि प्रिया तो किसी गिर गई। मैं मेरे ऊपर नहीं डालना तुमने, अभी कुछ अच्छा, और बोल रहे थे। गीता नहीं बह गया। ठीक है, तो मैंने देखा बंदे के ना यहाँ पे गोली लगी थी, वो मरा था। मतलब अफसोस करने गया था, यहाँ गोली लगी थी वो मर गया था। सारे अफसोस कर रहे थे उनका। चलो कोई नहीं, अफसोस की क्या बात है, शुक्र है लड़के की आग पे बच गई। ट्राई करो, उससे सारी चीजें साफ हो जाती है। सही कह रहा हूँ मैं? टॉयलेट साफ होता है, टॉयलेट के उसमें डॉल सिंक में डाल देते हैं लोग, एकदम मस्त साफ हो जाता है। चमड़ 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 ये पहले मैं वैसे टेस्टिंग जो करते हैं पैच टेस्ट, वो तुम दोनों के ऊपर क्यों ना कर लूं? तुम्हारे ऊपर ऐसे कोल्ड ड्रिंक का, मेरे पे कोल्ड ड्रिंक का, मैंने कोल्ड ड्रिंक बोला। हमारे कलर लगा ही नहीं है। कोई बात नहीं, पैच टेस्ट तो स्किन पे ही करना होता है ना, बालों पे मैं ऐसी कर लेती हूँ, देखती हूँ किसके नहीं उड़ते, वो लगा लूंगी। भैया के करके देखूंगी, तेरे भी करूंगी हार्पिक का टेस्ट। गाइस अब टाइम है मेरे नाश्ते का, सबको भिंडी के साथ नाश्ता करा दिया। पार्थ अभी थोड़ी देर बाद करेगा। मेरे आज डाइट में है वेज हंग कर्ड सैंडविचेस। ये प्रसाद वाली लर्जी है, तो ये मिक्सचर तैयार है वेजिटे। अरे व्लॉग में बोलने दे, बीच में बोले जा रही है। तो ये मिक्सचर तैयार है कर्ड के अंदर वेजिटेबल्स और इटालियन ओरिगैनो सीजनिंग, नमक वगैरह,
और अब हम इस पे लगा के इसे ग्रिल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नाश्ते से फ्री हो गए, सारा घर साफ हो गया, पूरी सफाई कर दी है गीता ने। और अभी हम आज एक रंगोली का डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं, हमने ऑनलाइन देखा था, तो लेट्स सी। ये देखो ये बना रही है ऐसे रख के। यूट्यूब पे शॉर्ट में देखा था हमने, एक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। जगह क्यों छोड़ रही है बीच में, ज्वाइन नहीं करना? अच्छा चल ठीक है कर। तो ये ऐसे रख के ढक्कन सारी आसपास येलो डॉट्स बना देगी। गाइस ये इसने डॉट्स लगा दिए हैं, मैंने बीच में ग्रीन कलर फेंका था कि हम पूरा फैला लेंगे, पर ग्रीन कलर कम पड़ गया है। अब देखते हैं फैला कर इसको, फिर इसके बाद ना ऐसे ये इसमें वो वाला बनाना है। कैसे करना है इसको, पहले सबको ऐसे ऐसे बिठा लेना है डॉट्स को, और फिर जैसे ये वाली ऐसे है ना गीता, और ये वाली ऐसे। वाओ ठीक है, हाँ मस्त लग रहा है गाइस। ऐसे अभी करके देखते हैं कैसा होता है। तो ये देखो फ्रेंड्स, डॉट्स को ऐसे चम्मच से फ्लैट कर रही है, उसके बाद हम माचिस की तिली से ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। और बीच में तो हमारा कूड़ा कबाड़ा हो गया, अभी हम उसको ठीक कर लेंगे। हम रंगोली बना रहे हैं, देख ये कैसे बनाया। ये हमने देखा उस पर ऐसे फ्लैट कर ली डॉट्स, उसके बाद इसको ऐसे घुमाया और इसको ऐसे घुमा दिया। सही है, अच्छा लग रहा है ना, सही है ना, बना ना। नहीं जा जा पढ़ाई कर। चलो देखो जी, ये देखो जी गीता ने भी बना दिया, एक और बना। देख ये जुड़ना चाहिए हार्ट का, आपको भी नहीं जुड़ा। अरे देखना ये देख, थोड़ा डर क्यों रही है, ऐसे खोल के कर ऐसे। ये लो हमारा भी जुड़ गया। हाँ ऐसे ऐसे चल बना दे। क्या बन रहा है ये देख, ठीक है बन रही है, बन रही है, बना बना करते पूरा करते। ऐसे ही सीखेंगे ना हम धीरे धीरे बना बना के डिजाइन। गाइस ये हमारी गोवर्धन पूजा की रंगोली है, गोवर्धन भगवान जी हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके लिए अगले साल और प्यारी प्यारी रंगोलियां बनाएं, सबके घर में खुशियां लाएं। यार बुरी नहीं लग रही, बहुत प्यारी लग रही है, पता है बिगिनर्स के हिसाब से तो बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है यार। गाइस मेहंदी फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके बताना, हम दोनों बिगिनर्स हैं और हमने इंस्टाग्राम से देखकर कुछ तो बना ही लिया है डिफरेंट डिजाइन, दिवाली वाली रंगोली से डिफरेंट है ना, और सुंदर लग रहा है कि नहीं। मुझे तो सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रही है बहुत। हटा दूं चलो, क्या हटा दूं, अरे ये हटा, हां कलर्स हटा दे, मेरे लगा डिजाइन हटा दूं। मोहित आओ ना, तुमने फिटी शर्ट नहीं मानी, ठंड लग रही है ना तुम्हें, बता रहा है वहां देखो जान, सीख गया तुम कड़ा कड़ा मेरे से हैं, बस सब कुछ इन्हीं से सीखे हम। सच्ची में बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा है, सही बन गया ना? हां बिगिनर्स के लिए बढ़िया है। फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना, इट्स ओके, फर्स्ट टाइमर के साथ से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हां वेरी गुड गीता, गीता ने बनाई है, भाभी ने नहीं बनाई, भाभी ने नहीं बनाई, गीता ने बनाई। चल ये भी डाल सब, अब ये ले जाइयो और घर पे भी कुछ कुछ ट्राई करियो, बनाइयो वाली ट्राई करनी, फोटो करियो फिर फोटो भेजियो। गाइस हमारा गोवर्धन पूजा का दिया जल रहा है, जय गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय। अरे वाह जला दिया गीता ने दिया, आप देखो कितना सुंदर लग रही है रंगोली, वाह वाह मुझे तो मजा ही आ गया, वाह। गाइज हम आ गए हैं किचन में फिर से, और आज हम बनाने वाले हैं आटे वाले समोसे इन एयर फ्रायर।
तो ये दो बॉयल्ड आलू हैं और गीता का फिर से मन है रेसिपी अपने हाथ से ट्राई करने का, तो आलू को मैश करेंगे। गाइज ये आलू मैश हो गए, अब मैं समोसे का आटा तैयार कर रही हूँ। तो ये हमने नॉर्मल व्हीट फ्लोर लिया है, गेहूँ का आटा। इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। और इसके अंदर डालेंगे हम एक चम्मच देसी घी। अरे तुलसी माता भी आ गई। और अब इसको हम हाथ से क्रम्बल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका वैसा बना लेंगे जैसे हाथ में ऐसे मुट्ठी करो तो आटा आता है ना, तब तक हमने इसको अच्छे से मलना है। अब ये मैदा तो है नहीं इसलिए वैसा मैदे जैसा स्मूथ तो नहीं बनता है डो, लेकिन मैदा जो है वो खाने के लिए बड़ा हार्मफुल है यार, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मोमोज भी आटे वाले बनाऊँ। समोसा खाने का मन है पार्थ का, कब से बोल रहा है मम्मी प्लीज़ बना दो, तो आटे वाले समोसे बना रहे हैं हम। ये देखो अब ऐसे ये क्रम्बल सा हो गया, ऐसे करोगे ना तो ये इस तरह बनना चाहिए आटे का, ऐसे गिठलियाँ सी। अब इसको हम गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। देखो गाइस ये हमारा आटा इस तरह से बन गया है, ठीक है, अच्छे से थोड़ा टाइट टाइट आटा, इसे यहाँ रख लिया हमने। अब हम आलू की फिलिंग बना लेते हैं। ये हमने मटर, फ्रोजन मटर को बॉईल कर लिया है, ये फिलिंग में जाएंगे। अब इसमें पहले डालेंगे हम नमक, लाल मिर्ची, इसमें जीरा जाएगा, थोड़ी सी हल्दी और अमचूर मसाला, इसका आएगा स्वाद। अमचूर नहीं है तो आप चंकी चाट का सारा डाल लो। अब डाल इसको मिक्स कर ले पहले, फिर मटर डालिए नहीं तो मटर हलवा बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा आलू मिक्स हो गया, अब हम इसमें डाल लेंगे हमारे ये मटर और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारे समोसे की फिलिंग तैयार हो गई, अब हम बनाते हैं समोसे। सो गाइस लेट्स मेक वन। हल्का सा तेल डाल रही हूँ ताकि ये बेलन और चकले पे चिपके ना, ये मोटे वाले बेलन से तो मेरे से भी नहीं होता, तो पतले वाले से ही होता है। हाँ अब हो गया ना, हट जा भाई। हाँ आटे को हमने थोड़ा और मुलायम कर लिया और ये हमने इसको छोटे छोटे समोसे बने। तो ये देखो ऊपर से दिखाए से पास, ये हमारा बन गया। अब हम इसमें हाफ कट करेंगे ऐसे ऐसे गाइस ऐसे और ये ऐसे। फिर इसको हल्का सा चुंज को दबा दो। अरे हाय सिखा दिया। इसको हम यहाँ ले आए, यहाँ पे हमने हल्का हल्का इसको भी ऐसे ऐसे दबा दिया। अब हम इसके अंदर भरेंगे आलू मटर की फिलिंग, छोटी छोटी समोसियाँ बनेंगी। ये देख लो भाई अंदर फिलिंग को दबा दो, ठीक है, समोसा शेप मत बिगाड़। उतरी कौन आया। अब हम इसको ऊपर से बंद कर देते हैं और देखते हैं पहले कि हम कौन आया है। ये हमने एक समोसा, हमारी समोसी देखो यार कितनी प्यारी समोसी तैयार हुई है। ओह चलो गीता, नहीं बना गीता से अभी देखेगी ये, मैं भी ऐसे ही देख देख के ही समझ में आता कई बार भूल जाते हैं। ये देख, ये पहले हम इसको यहाँ ऐसे बीच में लेंगे सीधा। अच्छा, ठीक है, सीधा ले रही थी। ये इसको यहाँ पे लेंगे ऊपर इसके, ठीक है, ये हमने उठाया और अब हम इसको बीच में कर देंगे यहाँ से हल्का सा दबा के। ये हमारा समोसे का हो गया तैयार, ठीक है। अब इसमें हम भरेंगे, ये भरा अंदर तक मस्त मोटू पेट वाला समोसा। वो आता था ना मोटू पतलू, उसको समोसे कितने पसंद थे, बहुत उड़ जाता था, खुशबू आती थी और वो उड़ जाता था। ऐसे ही हमारे भी बनने चाहिए समोसे की खुशबू आए और वो उड़ जाए, उड़े नहीं किचन में आ जाए। खाने हाँ उड़ के खाने आ जाए। ये देखो ऐसे हमने इसका मुंह यहाँ से दबा दिया, कोई पानी वानी नहीं लगा रहे हम, ये आटा है ना मैदा नहीं है। ये हमारा अगला समोसा तैयार, कहाँ गया ये देख, ये ऐसे और ऐसे। ये देखो गाइस तो हमारे दो समोसे तैयार हो गए, ठीक है। अब हम ऐसे ही इसमें से शायद दो या तीन और बन जाएंगे बस, ठीक है। चलो अब गीता ट्राई करेगी। अब ये बीच में से इसने कर दिया आधा,
ठीक है। अब क्या करना है, नहीं नीचे ही रख, तू नीचे ही रख इसको, देख हाँ हाँ, हाँ इसको ऐसे सीधा लाइन में ले आई, अब उसको ऊपर ले जाओ उसके ना, ए ऐसे ठीक है, और फिर उठा ले हाथ में, दबाइयो मत अभी, उठा कर अब इसको सेंटर बना ले, हाँ अब दबा, उसकी चोंच भी बंद कर, नीचे से आलू नहीं निकलना चाहिए, हाँ अब यहाँ से हल्का हल्का दबा के ऐसे ऐसे ऐसे, कुप्पी तैयार हो गई तेरी, वेरी गुड। अब इसमें आलू भर, आराम से भरना ही, फटे नहीं ठीक है, और नीचे तक दबा के भरना ताकि बढ़िया से फीलिंग हो, हाँ बहुत सारा है, देख ऊपर बंद करने की जगह रहनी चाहिए ना, थोड़ी सी शेप ख़राब ना हो समोसे की वहीं से हो, हाँ हाँ ठीक है, उसकी चोंच को बना के रख, चल बंद करते इसको ऐसे 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 ऐसे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा आलू झाँक रहा, झाँकने दे, हाँ अब नीचे से चोंच ठीक कर उसकी, सेंटा क्लॉज की टोपी की चोंच बिठा दी तूने, बहुत गीता का समोसा देखो, खाओ पियो समोसा कितना मोटा है रे बाबा लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, यस सीख गई लड़की, सीख गई भाई, तालियां हो जाए, लड़की सीख गई तैयार कर लेते हैं गाइस, उसके बाद हम एयर फ्रायर में डाल के ऑयल से ब्रश करके रखेंगे। गाइस हमारे सारे समोसे तैयार हैं, और आपको शक्ल और शेप से समझ आई गई होगी कौन सा मैंने बनाया और कौन सा गीता ने पकड़े, इसको नहीं आया होगा ठीक है। अब हम ये दो बड़े समोसे तो हम फ्राई करेंगे ठीक है, और इनको हम एयर फ्रायर में करेंगे, इधर दिखाना वही देखे जा रही समोसा कोई देख रही है ठीक है गाइस। तो अब हमें इन पे हल्का सा ऑयल ब्रश करना है, ऐसे हल्का सा, ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई ना हो जाए ना, एयर फ्रायर में काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, पता चल रहा है ना देख के मोटू छोटू समोसा फ्रेंड्स हमारे वीट समोसा बन गए, और एक समोसा बहुत उत्सुक था, उसने कूद लगा दिए सॉस के अंदर, तो चलो पकड़ लेगी तो अब भैया को भी टेस्ट कराते हैं, आ जा। ओह माय गॉड पार्थ भैया आप 2 मिनट रोक सकते हो, ये देखो आपको इसमें से अभी एक मिलेगा, बाकी जाने के टाइम एयर फ्रायर वाले मिलेंगे। और बताओ इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है सबसे बड़ा उठा लिया तूने मैंने बनाया ये गीता ने बनाया नहीं जो आपने उठाया जो आपने उठाया वो मेरा मैंने बनाया। केचप चाहिए? हाँ चाहिए उसको भाई, तू कहाँ लेके भाग रही है भैया के पास, पहले उसको केचप एक को खिला लेते हैं हम, टेस्ट देखें पूछे तो सही ठीक है। जय अन्नपूर्णा माता की, जय अन्नपूर्णा माता, जय गुरु जी महाराज। फूक मारते हुए, फूक मारते हुए, फूक मारते हुए, मैं फूक मारूं मुंह में मस्त है, मस्त है, हो गई इच्छा पूरी समोसा खाने की, चल खा ले तू, एक दूसरी प्लेट ले आ गई था, केचप डाल के उसमें अच्छा लगा पार्ट, उस प्लेट में केचप डाल दो, ये दोनों ले लो, हाँ हाँ इस प्लेट में, चलो एंजॉय समोसा, चलो भैया को टेस्ट कराएं, देखें भैया की कॉल तो नहीं चल रही। गाइस आपके जीजू की ऑफिस कॉल चल रही है, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, गिविंग अस दैट व्हाट वर्क, मैंने पालक पनीर भी बना लिया इधर, अब हम करते हैं टेस्ट, चल आधा कर समोसा हाथ से तोड़ के, गरम है, अरे तो क्या हुआ, ये देखो गाइस समोसा देखो हमारा क्या मस्त आधा हुआ है, चल खा के बता, गरम है बहुत, केचप लगा के खा, फूक मार लेना केचप लगा नहीं मुझे केचप के साथ अच्छा नहीं लगता समोसा, अच्छा चल खा ऐसे खा ले, जय गुरु जी, खा खा एक बाइट और, बहुत अच्छा ये तो, हाँ तू नीचे बनाया है मैंने बनाया है और खा के देख बाइट, सही है समोसे जैसा लग रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि मैदे वाला नहीं है, हैं मैं खा के देखती हूँ गाइस, समोसा देख लो पहले आप अच्छे से ठीक है, नहीं सच्ची हूँ, ये देखो क्रिस्पी कुरकुरा, ओह माय गॉड मेरी तरफ, गाइस हियर आई एम, ओके चलो सही में हेल्दी समोसा,
घर में बना हुआ वीट समोसा। सो गाइस, हमने लंच कर लिया, पार्थ और मैंने और मम्मी ने, और मोहित की कॉल चल रही है। कैसी लगी पार्थ हमारी रंगोली? बहुत मस्त लगी। सही है, ये एक दिया तो मुझे कर रहा है। ये गोवर्धन पूजा है ना आज, गोवर्धन जी का दिया है। अच्छा, गीता और मैंने मिलके बनाई है रंगोली इंस्टा से देखकर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। द पापड़ बॉय इज हैविंग हिज पापड़ आफ्टर लंच एंड हिज डैडी इज अबाउट टू हैव हिज लंच। 2 बजे कॉल ख़त्म होगी इनकी। ओह माय गॉड, हेलो फ्रेंड्स, तो आपके जीजू की कॉल्स फिनिश हो गई हैं वो रहे, और मैं अभी थोड़ा सा ना हलवा बनाकर आई हूँ, मतलब मैंने नहीं बनाया है, वो रेडी टू ईट आता है ना मिक्स वगैरह, आशीर्वाद का सूजी हलवा मिक्स है, तो बॉक्स पड़ा था, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। उसमें बॉइलिंग वाटर डाल के 8 मिनट्स के लिए रखा है, देखते हैं कैसा बनता है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है तो कुछ मीठा भी हो जाएगा, वैसे मैंने कुछ बनाया नहीं अलग से मीठा। आज हम जा रहे हैं गुरु जी के बड़े मंदिर, गुरु जी तो ज़रूर खिलाएंगे हमें मोहित हलवा या कुछ मीठा, है ना, कड़ा प्रसाद। तो तैयार हो गई हूँ मैं, और मेरी जो सिस्टर हैं बड़ी प्रीति, उसके पास जाएंगे, उनके साथ जाएंगे हम गुरुजी के बड़े मंदिर, तो वो लोग भी गुरुजी की संगत हैं, तो आज साथ में जाने वाले हैं। आज मैंने ये पहन लिया, बहुत ही कलरफुल सा, कि मैंने अमेज़ोन से लिया था या मीशो से लिया था, ये पूरा कुर्ता है लॉन्ग एकदम फ्लोरल वाला। वैसे मैंने इसके नीचे पजामी भी पहनी है ऑरेंज, बट मेरी हाइट के हिसाब से तो ये बिल्कुल ही नीचे लग जाता है, पजामी दिखती नहीं है, फिर भी मैंने बस पहन लिए फॉर कंफर्ट। गाइस, हमने समोसे रखे थे एयर फ्रायर में ग्रीस करके हल्के से, तो अब इसे रखे हुए बहुत टाइम हो गया है, अब हम ऑन कर लेते हैं 180 डिग्रीज फॉर 15 मिनट्स। लो जी, इसको तो मैं भूल ही गई थी, हलवा जो 8 मिनट के लिए रखना था। क्या बन गया ये, ओह माय गॉड, पानी तो मैंने माफ तक ही डाला था, ज़्यादा तो नहीं डल गया मुझसे। दिया बस बुझने वाला है। गाइस, इतना मज़ा आया ना ये रंगोली करके, मुझे बहुत ही प्यारी लगी। नेक्स्ट टाइम दिवाली भी ऐसी देख देख के थोड़े और अच्छे डिज़ाइंस बनाएंगे। तो कल मैंने सारा यहाँ से हटा लिया था सब कुछ दिवाली पूजा का, और यहाँ पर है जो विसर्जन के लिए जाना है सारा सामान, और कुछ मैंने फूल अक्षत वगैरह रख लिए थे जो कि मैंने मिक्सी में ब्लेंड करके हमारे घर के पौधों में गमलों में डाल दिए, और जल जो है उसका छींटा पूरे घर में दे दिया था। प्यास लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बस समोसे होने वाले हैं, उसके बाद मैं पार्थ को समोसे दूँगी। गाइस, समोसाज आर रेडी। ओ माई गॉड, जय गुरु जी, जय अन्नपूर्णा माता की। गाइस, समोसे समोसे, बहुत गर्म है, बी केयरफुल। पार्ट बहुत गर्म है, बी वेरी केयरफुल, ओके, एंड प्लीज मेरे बेड कवर पे तो कुछ नहीं गिराना। मस्त डिजाइन वाला समोसा है। एयर फ्रायर की जाली छप गई है। सही में वैसा तो नहीं है जैसा वो था, ऑब्वियसली फ्राइड तो नहीं है, बट खाने लायक होना चाहिए ना। हाँ। कि पार्थ को का वंस अ वाइल डिफरेंट स्नैक, नहीं वंस अ वीक नहीं, वंस अ वाइल डिफरेंट स्नैक मिल जाए। अ वाइल, हाउ लॉन्ग इज अ वाइल? मे बी 2 वीक्स, यू नो, मे क्वार्टर, यू नो, क्वार्टर टू लॉन्ग। सभी कुछ नहीं है इसमें, है क्या, इट इज एज गुड एज, समझ लो बेक्ड पराठा हो गया आलू का। वंस अ क्वार्टर तो आप तल के बना दिए, नहीं कह रहा था मैं कि तू पराठा खा ले, इससे अच्छा रोटी भर के आलू खा रहा है। कोई नहीं, उसको वो समोसे वाली फील तो आ रही है ना, समोसे बने हैं। बहुत गर्म है ना अंदर से फीलिंग। मैं तो भी फूंक ही मार रहा हूं। आराम से खाना, और बैठ के खाना, ऐसे लेट के थोड़ा खाएगा बेटे। हाँ तो आ जाओ वहाँ पर, सही बात है, फिर से हम बेड पे आ गए। बात उठा ले, बेड पे मत खा, तुम भी उठ के आ जाओ ना। गुड, ड्राइंग रूम में बैठ जाओ या डाइनिंग रूम में। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं घर से। व्हाट इज द टाइम? किसने नहीं पहनी बेल्ट? पापा ने नहीं पहनी। इट्स अबाउट 4:55 हो गए हैं, तो अब हम निकले हैं, बस 1 घंटे तक हम गुड़गांव पहुंच जाएंगे मेरी सिस्टर के पास, फिर उसको लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर। और ये रहा पार्थ। हेलो। और ये रहे आपके जीजू।
लो जी मेरी सिस्टर के घर आए हैं हम, और इस बार डेकोर पूरा चेंज हो रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो ये देखो अच्छा लग रहा है ना मोहित, डेकोर सारा बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर है पार्थ। ये देखो वॉलपेपर बहुत पेस्टल शेड, वेरी नाइस। एंड इसकी बैक भी मैं देख रही हूँ, ये फ्लोरल प्रिंट है, मुझे बहुत पसंद है ऐसा। नाइस, वेरी नाइस। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है पहले से तो। जय गुरु जी गाइस, हम पहुँच गए बड़े मंदिर, दर्शन कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आगे वाली कार में भी सब हैं, जीजा जी के साथ बच्चे हैं, आंटी हैं, और इधर भी है मेरी सिस्टर। जय गुरु जी। तो पहली बार गुरु जी ने हम लोगों को इकट्ठे बुलाया है। जय गुरु जी।